नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, अपने बारे में बता देती हूँ। बहुत लोग पूछते हैं ना आप लोग, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी हालत समझ ही सकते हैं। तो अच्छा लगता है, आप लोग पूछते हैं, आप लोग बोलते हैं, सब लोग इंस्टा पे भी मैसेज करते हैं, सपना कैसी हो, हिम्मत बनाओ, आगे बढ़ो, वीडियो बनाओ, तो अच्छा लगता है। लेकिन मतलब जैसे मैं पहले वीडियो वगैरह बनाती थी ना, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी, मुझे ब्लॉग बनाना, ये शेयर करना। लेकिन मैं अभी अपने आप को ही नहीं संभाल पा रही हूँ, तो ब्लॉग थोड़ा बनाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। बट मैं अभी सोई मतलब बैठी रहती हूँ, तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि आप लोगों से थोड़ा बातें कर लूँ, जो भी मतलब दिल में बातें चलती वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बहुत अच्छी फैमिली है आप लोग, और सपोर्ट भी करते हैं, बहुत लगा आते हैं वीडियो पे, बहुत हिम्मत देते हैं, तो अच्छा लगता है। तो अभी मतलब आज ना मैं बैठी हुई थी, तो मैं सोचा चलो थोड़ा सा छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और मैं कैसी हूँ, कैसी मेरी लाइफ चल रही है। तो बिल्कुल सही, ठीक तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि आज भी दिल ये मानने को तैयार ही नहीं होता है कि अब भैया नहीं रहे हम लोगों के बीच में और कभी भी नहीं आएंगे। लेकिन मुझे ना अपने मम्मी पापा को बहुत हिम्मत देना है, जिया, रिया, बंकू, भाभी, सबको, और सबको इस दुख की घड़ी में एक साथ रह के एक दूसरे का सहारा बनना है। भगवान जी ने तो बहुत बड़ा न्याय किया है मेरे परिवार के साथ, लेकिन उनके आगे किसी का बस नहीं चलता, जो होना तब होके रहता है। कितना भी कुछ कर लो भैया, तो वापस अब नहीं आएंगे। परिवार तो मेरा बिखर चुका है, और उसे मुझे समेटना है, मुझे हिम्मत बनाना होगा। तो पहले ना मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ रही थी, लेकिन मेरे बहुत सारे फ्रेंड ऐसे हैं ना जो कि मुझे बहुत हिम्मत देते हैं। और ऐसी परिस्थिति है ना कि आप कितने भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन आप टूट जाते ही हो अंदर से। तो मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि इतना बड़ा मुश्किल समय आएगा और इस परिस्थिति से मुझे गुजरना पड़ेगा। तो लेकिन क्या कर सकते हैं, जो ऊपर वाले की मर्जी होती है वो होके रहती है। तो बस थोड़ी सी है, मैंने सोचा मैं थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो अभी शाम का टाइम हो गया है, तो अभी मैं जा रही हूँ, बच्चों के लिए दूध बनाऊंगी, अपने लिए चाय बनाऊंगी, और बच्चों का भी एग्ज़ाम चल रहा, नहीं तो मैं अभी मम्मी के घर पे ही रुकती, लेकिन बच्चों का एग्ज़ाम है तो मुझे मजबूरन आना पड़ा। और यहाँ पे बिल्कुल अकेले हूँ, अभी जी मतलब शाम में आते हैं, दिन भर अकेले में रहती हूँ, और दिन भर मेरे मन में चलते रहता है कुछ ना कुछ, भैया के बारे में सोचते रहती हूँ, बचपन से लेके आज तक जो भी टाइम व्यतीत मैंने किया है। और मन ना भी हो तो भी काम करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं और सासू माँ हैं, तो देखना पड़ता है, करना पड़ता है। अपने जो भी जज्बात होता है ना, उसको अपने अंदर कैद करके, बहुत ही मुश्किल दौर है, बहुत मुश्किल दौर है, और अपने आप को समझाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन बस भगवान जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे हिम्मत दें कि मैं अपने परिवार को संभाल सकूँ और सबको सबको हिम्मत दे सकूं। यहाँ पे डुगू पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि डुगू का भी एग्ज़ाम चल रहा है, तो डुगू भी स्टडी कर रहा है। यहाँ पे पीयू है, तो दोनों बच्चे बैठ के भी पढ़ाई स्टडी कर रहा है। और मैं इन लोगों के लिए अभी दूध बनाऊंगी, तो मैं किचन में आ गई हूँ, और पहले की तरह तो कुछ भी नहीं रहा, लेकिन काम तो करना पड़ता है, कैसे भी करना ही है। तो मैं पहले बच्चों के लिए दूध बनाऊंगी, और अभी शाम भी हो गया है, तो यहाँ पे बारिश भी हो रही है, और बस जैसे तैसे काम मैं कर रही हूँ, निपटा रही हूँ, कैसे भी करके हिम्मत बना के, बहुत मुश्किल से। और कोई भी खाना वाना नहीं खाता है, खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, लेकिन बच्चे हैं और सासू माँ हैं तो देखना पड़ता है। तो चाय बनाऊंगी, फिर दिया वगैरह जलाऊंगी, तो पहले थोड़ा चाय बना लेती हूँ। और मेरे ना मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा सा मतलब थोड़ा स्माइल के साथ
बात करूं, बट नहीं हो पाता है, बहुत पीछे हम लोग चले गए। और मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रही हूँ, बहुत ज़्यादा, और हिम्मत एकदम टूट सी गई है। तबीयत भी आजकल सही तब नहीं रहती, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल दौर से गुजर रही हूँ। भैया के जाने से ऐसा कभी नहीं लगा था, कि मन में सोचती थी कि मन में जब यहाँ पे मैं रहती थी ना अपने ससुराल में, तो मुझे ऐसा लगता था कि पापा पापा के लिए मैं सोचती थी कि पापा मतलब ओल्ड एज हो गया, तो ऐसा कुछ हो सकता है, कभी भी मैं सुन सकती हूँ। बट भैया के लिए ऐसा कभी कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी होगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है कभी भी। लेकिन जिंदगी है तो जीनी पड़ेगी, हंस के जियो या रो के जियो। लाइट चला लेती हूँ। जिंदगी है तो जीनी पड़ेगी कैसे भी करके, बच्चे हैं, घर है, परिवार है, और करना ही पड़ेगा। धीरे धीरे आप लोग का साथ मिलेगा तो मैं आगे बढ़ूंगी, मैं बढ़ जाऊंगी। मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि मैं मतलब ये इन सारी बातों से थोड़ा बाहर निकलूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ूँ। थोड़ा मुश्किल दौर है, मैं कोशिश कर रही हूँ। और खाना वाना तो बहुत मुश्किल से बनाती हूँ। अब जी बहुत हेल्प करते हैं, आते ऑफिस से तो बहुत हेल्प कर देते हैं। यहाँ पे दूध वगैरह में यहाँ पे मैं गर्म कर देती हूँ, बच्चों को दे दूँगी। उसके बाद शाम हो गया है तो दिया वगैरह जला लूँगी। और इसके आगे क्या मैं मतलब क्या शेयर करूँ, अभी तो कुछ मैं कर भी नहीं रही एक्स्ट्रा, तो क्या शेयर करूँ। आप लोग सपोर्ट करिएगा, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग के कमेंट में रीड करती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग बहुत बोलते हैं सपना हिम्मत रखो, मतलब सब ठीक हो जाएगा। ठीक तो कुछ भी नहीं होगा, जो होना था, जो बिगड़ना था वो बिगड़ गया, लेकिन बच्चे हैं, फैमिली है, तो देखना पड़ेगा, मम्मी पापा का ख्याल करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, अपने दिल को पत्थर बनाना ही पड़ेगा, तभी कुछ कर पाऊंगी। मैं कोशिश कर रही हूँ, कोशिश करूँगी मैं जरूर। मैं धीरे धीरे आप लोग साथ दीजिएगा तो मैं इस मुश्किल घड़ी से गुजर निकल जाऊँगी। आप लोग का बस साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए। और अगर मेरे मेरे में हिम्मत होगी ना, तो मैं फिर थोड़ा छोटा मोटा ब्लॉग बनाऊंगी, ज़्यादा कुछ शेयर तो नहीं कर पाऊंगी, बट मैं कोशिश करूंगी आप लोग के साथ जुड़ी रहूं।